आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थानाशाहगंज क्षेत्र बीती रात कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे लगभग 25 लाख के कपड़े जलकर खाक हो गए। सूचना पर आई फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। व्यापारियों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। थानाशाहगंज क्षेत्र में बीती देर रात कपड़े के शोरूम रुचि सूट हाउस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे लगभग 25 लाख के कपड़े जलकर खाक हो गए। सूचना पर आई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेडी सूट की दुकान थी, लेडी सूट कपड़ा कुर्ती लेगिंग लहंगे लांचे सब बेचते थे। कैसे आग लगी, कब आग लगी, कुछ आइडिया नहीं कर सकते। शॉर्ट सर्किट ही लगा है, मैं तो आइडिया शॉर्ट सर्किट का ही है। आपको कैसे पता चला? हमें करीब रात को 1 बजे यहाँ के चौकीदार हैं, दुकान के बाहर ही चौकीदार बैठा है, वो घर पे बुलाने आया हमें। तो घर देखा हुआ बुलाने आया, पीछे एक दो घर भी हैं पीछे, वहाँ से भी कॉल आया हमारे पास। पीड़ित व्यापारी राजेश ने बताया कि करीब 1 बजे बाजार का चौकीदार घर आया और उसने दुकान से धुआं निकलने की सूचना दी। अन्य व्यापारी भाइयों के साथ मौके पर पहुंचे तो आग विकराल रूप ले चुकी थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया, पर कपड़ों में आग बहुत तेजी से फैल गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये हम लेडीज काम है, बहुत स्टॉक होता है हमारे काम में, बहुत ज्यादा स्टॉक होता है। इंश्योरेंस हमने नहीं कराया है। दुकान आपकी? दुकान रेंटेड पे है। थाना प्रभारी सत्येंद्र राघव ने बताया कि पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया था। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी हुई है। मामले की जांच की जा रही है। बहुत नेक इंसान की दुकान है और बहुत गरीब है और रेंट पे दुकान चलाता है और ईमानदार बालक है जिसने समाज के अंदर भी सेवाएँ बहुत की है। तो मैं इस दुकान की भरपाई कैसे हो ये उत्तर प्रदेश सरकार से और पुलिस से पूरी तरह से, हालांकि पुलिस ने रात को पूरी तरह से मदद की है, जितनी हो सकती है उससे अधिक की है, परंतु मैं स्टेट गवर्नमेंट से, जो इसका कोई बीमा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को इसकी भरपाई के लिए इनका मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब बालक है। तो बाज़ार का भी इनके ऊपर बहुत होता है, इसमें लागत बहुत होती है कपड़े में, क्योंकि बहुत कॉस्टली साड़ियाँ लहंगे और सूट होते हैं। कितने लाख का नुकसान हुआ होगा लगभग? मेरे हिसाब से लगभग 25 लाख का करीब होना होगा, इससे कम नहीं होगा। घटना की सूचना मिलते ही विधायक योगेंद्र उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए। विधायक ने शोरूम मालिक राजेश मंदानी का हौसला बढ़ाया। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने दोबारा से रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से मुआवजा राशि देने की मांग की। ऐसा अचानक ये रात को 1 बजे बताया गया यहाँ पर मुझे कि आग लगी है। सुबह जब मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ आया और मैंने अभी EDM सिटी से बात की है, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से तो कोई इनको आर्थिक मदद नहीं मिल सकती, लेकिन मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मुख्यमंत्री जी मदद कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हेमंत भोजवानी जी और सोनू करमचंदानी जी को कहा है कि ये उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर दें जिससे कि इनको मदद कराई जा सके। मैं लखनऊ में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी करूँगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है और उस समाज का मामला है जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता है। शोरूम मालिक राजेश मंदानी की शाहगंज रुई की मंडी बाजार में रुचि सूट एम्पोरियम के नाम से दुकान है। राजेश किराए पर दुकान लेकर शोरूम चला रहा था। राजेश ने बाजार से कर्ज लेकर लेडीज कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया था। सब कुछ तहस नहस होने पर पीड़ित राजेश का रो रो कर बुरा हाल है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।